राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान जयप्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल जी, उपाध्यक्ष तनवीर भाई, प्रधान महासचिव अरुण विजय जी, अनवर साहब, उपाध्यक्ष श्री चंदर जी, राष्ट्रीय महामंत्री बीनू जी, महिला प्रकोष्ठ की हमारी अध्यक्ष रीतु जायसवाल जी, आप सबों का स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। ऐसा नहीं कि हम ही लोग जानते हैं, बिहार जानता है और विशेषकर पत्रकार बंधु किस तरह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके राबड़ी जी से, तेजस्वी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से क्षमा मांग मांग करके राष्ट्रीय जनता दल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अविश्वसनीय राजनीति करने वाले का नाम है श्री नीतीश कुमार। अभी उनके एक मंत्री ने कहा, अभी गिड़गिड़ाने का कोई फोटो हो, कोई विजुअल हो तो लोगों के सामने दिखाने का राष्ट्रीय जनता दल को मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से भाजपा ने जब ठुकरा दिया तो 10 नंबर में जहां हमारे सारे विधायक बैठे थे, सारा नेतृत्वकर्ता बैठा था, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती रावड़ी जी बैठी थी, आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बैठे थे, सभी साथियों के बीच में आग्रह करने आए कि आप लोग चलिए हमारी इज्जत बचाइए। उसके पहले एक घटना घटी थी, याददाश्त आप लोगों को नहीं होगा, भूल गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर इनको जलील कर रही थी। उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग कोशिश करना ये मरने न पावे, इसको बचा लेना। राज्यसभा के सभी उम्मीदवार इनके हार रहे थे, हम लोगों ने सहयोग कर दिया। विधानसभा के अंदर भी हम लोग की ताकत इनके साथ दिख रही थी, लेकिन बाहर निकल करके श्री नीतीश कुमार ने कहा, क्या मैंने किसी का समर्थन मांगा था? क्या मैंने किसी से कहा था? राष्ट्रीय जनता दल से हमने तो कोई बात की भी नहीं थी। खैर, हम लोग की आदत है बहुत कुछ राजनीति में पचा लेने की, इसलिए जब दोबारा इनको समर्थन चाहिए तो इनको 10 नंबर में आना पड़ा गिड़गिड़ाए, तब इनको समर्थन किया गया। गवर्नर के सामने हमारे विधायकों ने जाकर इनको समर्थन किया। अनेक ऐसे अवसर आए जब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी के सामने सर झुकाया, लेकिन आप भी जानते हो हर घटना का फोटो बना करके कोई नहीं रखता।
पारिवारिक परिवेश में भी आकर के कोई माफी या क्षमा मांगता है तो कोई फोटो उसका नहीं बनाता, न विजुअल बनाता, न उसे आशा रहती है कि एक हम धोखेबाज से हम कोई रिश्ता मांगने आया है उसको क्षमा करें या क्या करें। राजनीति तो विश्वास पर चलती है। और विधानसभा के भीतर उन्होंने क्या क्या कहा सबको मालूम, प्रोसीडिंग का पार्ट मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा से हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसकी सबूत देने की जरूरत है, एक ही व्यक्ति इस बिहार का जानता है और भूल पर भूल स्वीकारते रहे कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, आगे हम गलती नहीं करेंगे। खैर, गए भाजपा के साथ, उनका काम था कुर्सी से चिपकना और कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति को आदर्श सिद्धांत नजर नहीं आता। फिर साथ ठोकरें खाई होंगी, भाजपा वाले साइड कॉर्नर कर दिया तो दोबारा फिर उसी तरह से माफी मांग करके आए और कहा कि एक गलती हो गई थी, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह आजकल सफाई दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हमसे भूल और गलती होती रही, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे। रहें खुशी से, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन शायद हर चीज का एक अंत होता है। कोई कितना भी असत्य बोलने वाला आदमी है, अंत में जब लोग मान लेते हैं कि इसकी हर भाषा